आज का हमारी जो टॉपिक है, आज जिस बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि हम जानते हैं पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी के कारण पैंडेमिक का सिचुएशन है, महामारी की सिचुएशन है। और जैसे भी हमारी ज़िंदगी इसके पहले हुआ करती थी, वो ज़िंदगी पहले से बदल चुकी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद है। बहुत लोगों ने इन लॉकडाउन के दौरान अपना जो रोज़गार है वो रोज़गार खोया है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर वालों को, अपने अपनों को खोया है। मेरे व्यक्तिगत रूप पे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती थी। मेरे परिवार के लोग थे, मेरे दोस्तों के माता पिताए थे जिनको हमने इस दौरान खोया है, कोरोना महामारी के कारण खोया है। और ये एक ऐसा वक्त है जो वक्त हम सब लोगों ने कभी सोचे नहीं थे कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमें स्कूल, यूनिवर्सिटी बंद करना पड़ेगा, कॉलेज बंद करना पड़ेगा, बस, गाड़ी, हमारी जैसी ज़िंदगी आम ज़िंदगी रहती है वो सारी चीज़ें एक दिन अचानक से ऐसे बंद हो जाएगा। ये कभी भी हम लोगों ने सोचा नहीं था। पिछले साल जब महामारी आया, कोरोना आया, द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, तो पहली बार हमको इसका महसूस हुआ। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद चीज़ें ठीक हो रही है, शायद चीज़ें बेहतर हो रही है, लेकिन फिर से अभी 2021 में कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो सेकेंड वेव भी आया है। और ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव है वो भी बहुत जल्द भारत के अंदर आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज का हमारा लाइव रहेगा, जिसमें हम कुछ दो तीन चीज़ों को लेकर बात करने का कोशिश करेंगे। एक बात जो हम पिछले एक सालों से देखे हैं कि ये बात सच है, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण जो लोग आम लोग थे, मेहनत कश लोग थे, जो मजदूर थे, जो हर दिन कमाते थे, हर दिन खाते थे, उन लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कठिनाई बढ़ा है। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट लेबरर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, हमने देखा किस तरीके से वो लोग पैदल चलने पे मजबूर हो गए, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की मौत हुई, क्योंकि हमारा जो सरकार है, हमारा जो राष्ट्र है, वो उनकी जो नागरिक है, उनके जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका जिम्मेदारी लेने से वो लोग इनकार करती है। हमने देखा कि इस देश के जो गरीब आम लोग, जो मजदूर मेहनत कश लोग हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इस पूरा वक्त के दौरान वो अफेक्टेड हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हमें ऐसा लगता है इन पूरा कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण अफेक्टेड हुए हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स भी हैं। क्योंकि हमने देखा है पिछले एक सालों से कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुला नहीं है, बंद है। हमने देखा 10th 12th का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था वो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो गया है। बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड्स ने भी अपना एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया है। अब जब एक बच्चा पिछले दो सालों से पढ़ाई लिखाई करता है, तैयारी करता है, और अचानक परीक्षा के पहले उनको पता चलता है कि हमारा ये एग्ज़ामिनेशन होने नहीं वाला है, तो जो भी मेंटल प्रिपरेशन होता है एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का, एक छात्र का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ा जाता है। और हम जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में एग्जामिनेशन को तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जामिनेशन को सामने रख के हम अपना शेड्यूल बनाते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो अगर वो एग्ज़ाम ही अचानक से बंद हो जाए तो पढ़ने का जो मोटिवेशन है, कंटिन्यूस पढ़ाई लिखाई के अंदर रहने का जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हमने देखा बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो लोग घर में हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, घर में मतलब मम्मी पापा जो है शायद वो काम में बिजी रह रहे हैं, उनके साथ बात करने का कोई नहीं है। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली जो स्कूल में हैं, हमने देखा वो लोग एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि कैसे ये जो अजीब सा एक वक्त है, ये जो डिप्रेशन है, कैसे इस डिप्रेशन से वो लड़े, उन्हें वो पता नहीं है। हमने देखा कि जो लोग कॉलेज में पढ़ते थे, एक तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कॉलेज क्या है। जितने भी लोग हम लोग कॉलेज मतलब कॉलेज से गुजर के आए हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज ख़त्म किए हैं, हम सब लोगों को मालूम है कि वो जो 3 साल होता है हमारी ज़िंदगी का, जिसमें हम कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हम सब की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ ये नहीं कि हम नया सब्जेक्ट को जानते हैं, नया विषय में ज्ञान आरोहण करते हैं, पर उसके साथ साथ हम एक इंसान के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक नागरिक के रूप में बहुत सारे नए चीज़ें सीखते हैं। मैंने जो राजनीति जितना भी सीखी है,
राजनीति के बारे में मेरा जितना भी सोच है, बुझ है, जितना भी समझ है, वो सब मैं कॉलेज से सीखी हूँ। कॉलेज में मैं जब गई, वहाँ पे मैंने राजनीति देखा, छात्र राजनीति देखा, स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव लड़ा, वहीं से मुझे एक एक राजनीतिक जो सोच है, जो समझ है, वो सारी समझ बनी। और हमें लगता है कि एक 18 साल का बच्चा जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुन सकता है, उनको अगर हम ये बेसिक पॉलिटिक्स का पार्ट ना दे, जहाँ पे वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करता है, जिसमें वो खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, अपना CR कौन होगा, अपना जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, अपना यूनियन का प्रेसिडेंट कौन होगा, ये सारी चीज़ें पे वो डिसीशन लेता है, शी और ही बिकेम्स अ पार्ट ऑफ द डिसीशन मेकिंग। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये पार्ट जिंदगी का, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर हम लोग उसे छूट जाएगा, तो एक इंडिविजुअल के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारा जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है इस देश के लिए, समाज के लिए, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारी खामियां रह जाती है। जो तीसरी चीज हमने देखा, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहने के कारण जो हुआ, और जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के ऊपर एक अजीब तरीके का प्रेशर बना। मैं व्यक्तिगत रूप पे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, उनसे मेरी बात हुई है, जो लोग हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के बारे में बहुत सीरियस थे, पर जब से लॉकडाउन हुआ, हॉस्टल सारे बंद हुए हैं, उन लोगों को हॉस्टल छोड़ के घर आना पड़ा, वो घर आने पर मजबूर हो गए। अब ऐसे जगह पर वो लोग रहते हैं जहाँ पर सोच लिए एक ही कमरा है, उस कमरे के अंदर 5-7 लोग रहते हैं, अब अगर उसको ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा, वो कहाँ पर करेगा। हमें पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्कल है, और जिसमें हम ये सोचते हैं कि घरेलू जो काम है, जो डोमेस्टिक काम है, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर की सफाई करना हो, ये सारी चीज़ें औरतों की जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है। तो जो लड़की अपनी घर से बाहर जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में जाके, हॉस्टल में रह के अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसको जब लॉकडाउन के कारण घर आने पर वो मजबूर हो गया, उसको घर की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी उसके कंधे पर आ गई। तो जिस तरीके से इसके पहले वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगा पा रहा था, वो उसका जो स्पेस था, वो उसका जो जगह था, वो जगह कम हो गया। घर की कामों का जिम्मेदारी, घर में जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी, ये सब जिम्मेदारी उनके कंधों पे आया। हमें सुनाई, मतलब ये हम सुनने में आया और बहुत सारे जगह पे ये रिपोर्ट्स भी दिखा रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी महिलाओं की, बहुत सारी लड़कियों की फोर्सफुली उनका शादी करवा दिया गया, मजबूरी, मतलब जोर जबरदस्ती से उनका शादी करवा दिया गया। क्योंकि हमारे दिमाग में, क्योंकि ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमको ऐसा लगता है कि अगर लड़की घर में बैठी रह रही है तो वो हमारी कंधे पे बोझ बन गई है। जब तक वो बाहर थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, वो दूसरी बात थी, अलग बात थी, अभी घर में बैठे हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने आई जहाँ पे लड़कियाँ जो पढ़ाई लिखाई कर रही थी, उनको जोर जबरदस्ती उनका शादी करवा दिया गया है। एक बहुत दुखद घटना पिछले दिन केरल के अंदर हुआ है, एक लड़की मेडिकल पढ़ रही थी, मेडिकल की छात्रा थी वो, उनकी शादी होती है, तो जिनके साथ उनकी शादी होती है, वो कुछ दहेज मांगते हैं, उनको दहेज दिया जाता है, सोना दिया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, ज़मीन दिया जाता है, पर इतने सब पाने के बावजूद भी उनके जो ससुराल वाले हैं, वो संतुष्ट नहीं थे। जो उनका पति है, हर दिन, हर रोज़ उनको मारता था, पीटता था। जब लॉकडाउन हुआ, ऑनलाइन क्लास चल रहा था, उनका क्लास तक बंद करवा दिया गया, बोला कि नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे पापा हम जो जो मांग कर रहे हैं वो सारे सामान हमको ना देते, तब तक तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद रहेगा। आउट ऑफ डिस्परेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अपने दुख से वो पिछले दिन खुदकुशी करने पे मजबूर हुई। और कल के ही दिन दूसरा एक घटना आया, जो भी एकदम एज इट इज़ ऐसा ही था, कि डाउरी की कारण, दहेज के कारण फोर्सफुली एक लड़की को इतना ज़्यादा सताया गया, इतना ज़्यादा मारा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया, कि वो खुदकुशी करने पे, अपनी जान लेने पे मजबूर हो गई। अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटना है, ये जो घरेलू हिंसा का घटना है, ये भी जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़की है, जो स्टूडेंट्स है, जो घर में रह रही है, उन पे बढ़ रहा है। हमें और भी ये पता चला कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे नंबर या ID या फिर किसी जगह पे वीडियो एक्सेसिबल हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को लेके कुछ लोग, सेक्सुअल हरासमेंट की घटना घटी है। अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का घटना था, जहाँ पे जो प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर जो लड़की एग्ज़ाम दे रही थी, उनके साथ बदसुलूकी की, सेक्सुअल हरासमेंट की घटना घटी। और ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसा बहुत सारा घटना रोज़ घट रहा है, उनमें से कुछ ही बाहर आ पा रहा है।
तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होने के कारण महिलाओं पे जो प्रेशर है, महिलाओं की जो स्ट्रगल है या फिर छात्राओं की जो लड़ाई है, वो लड़ाई और भी कठिन हुआ है। और इनके साथ साथ और भी एक सेक्शन जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, भारत की छात्र फेडरेशन। हम बार बार कहते हैं कि हमारी संगठन में आने के लिए आपको किसी भी जात, किसी भी धर्म या फिर किसी श्रेणी से आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबके लिए शिक्षा, सबके लिए काम, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे उसूलों पर विश्वास रखते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हमने देखा ये पूरा लॉकडाउन के दौरान जो पिछड़े परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के, आम परिवार के, मेहनतकश परिवारों के बच्चे हैं, उनके लिए उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो लड़ाई है, वो भी और भी कठिन हुआ। अभी एक फिलहाल में एक सर्वे आया था जिसमें ये दिखा रहा है कि ये जो स्विगी या फिर जोमैटो जो फूड डिलीवरी ऐप है, ये लोग लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को हायर किए, बहुत सारे नए लोगों को नौकरी दिए। तो जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई किए और जो लोगों को नौकरी मिला, उनमें से एक बड़ा संख्या था जो बस 19 के ऊपर थे या फिर जस्ट 18 क्रॉस किए हैं, 18, 19, 20, इस जो ये जो रेंज है, ये जो उम्र है, इस उम्र के बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के कारण, इसलिए क्योंकि उनके मम्मी पापा का, परिवार के लोगों का रोज़गार बंद हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो लोग मतलब कुछ काम ज्वाइन करने के लिए, जॉब करने के लिए मजबूर हुए हैं। और ये भी एक बहुत चिंता की बात है कि अगर हमारा जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इन बच्चों का जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी रीओपन नहीं होता, तो ये जो ड्रॉप आउट है, ये जो कॉलेज छोड़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले बच्चे हैं, जिनका ज़्यादातर लोग मेहनतकश परिवारों से, आम परिवारों से आता है, ये संख्या जो है, ये संख्या भी बढ़ने वाला है। इसीलिए हम भारत के छात्र फेडरेशन की ओर से ये मांग कर रहे हैं। हम बहुत पहले दिन से ये मांग हमारी थी कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो, सारे लोगों को वैक्सीन दिया जाए। हम इसी बात को लेके प्रदर्शन किए, धरना किए, सोशल डिस्टेंसिंग को, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल था, हम लोगों ने अपना जो ओपोजिशन है वो दर्ज करवाया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने लीगली भी इसको मूव किया। हम कोर्ट के पास गए और ये कहे कि अगर आप यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, अगर अब इस देश के हर एक आदमी के पास वैक्सीन नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस देश के अंदर कोरोना मुक्त, ये देश कोरोना मुक्त नहीं हो सकता। और माननीय कोर्ट जो है वो हमारी बात को सुने हैं और उन्होंने ये जजमेंट दिया है, और रादर से कि उन्होंने सरकार को ये बोला है कि आप क्यों वैक्सीनेशन नहीं करा पाएंगे, क्या आपकी मजबूरी है। और उसके बाद ही हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात कहने आए पिछले दिन, तो उन्होंने कहा कि सबके लिए वैक्सीन का बंदोबस्त सरकार करेगा, केंद्र की सरकार करेगा, और सबको मुफ्त में वैक्सीन मिलेगा। तो हम ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन या सबको मुफ्त में वैक्सीन दो, ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर सबको वैक्सीनेशन होता है, अगर सबको मुफ्त में वैक्सीन मिलता है, तो इस देश के अंदर कोरोना जो महामारी की आकार लिया है, ये महामारी बदल सकता है। अगर कहीं ना कहीं हम जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से, इस नंबर को थोड़ा रोक पाएंगे, इस नंबर को थोड़ा समेट पाएंगे, तो जिस तरीके का रिजिड लॉकडाउन हमको अप्लाई करना पड़ रहा है, वो लॉकडाउन के रिजिडिटी को हम कम कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा यही मांग है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को आपको ओपन करना पड़ेगा। आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जितने भी स्टाफ है, जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी टीचर है, सबको वैक्सीन दिलवाइए। आप ये इंश्योर करिए कि जब वो क्लास में बैठ रहे हैं तो उन लोगों के बीच दो गज की दूरी हो, सब लोग मास्क पहन रहे हैं, हर जगह पे सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त कीजिए। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलिए, क्योंकि अभी अगर आप कह रहे हैं, यूजीसी जैसे कह रहा था कि वो ब्लेंडेड मोड ऑफ एग्जामिनेशन करेगी या ब्लेंडेड मोड ऑफ एडुकेशन करेगा, जिसमें आधा ऑनलाइन होगा, आधा ऑफलाइन होगा, हमने पिछले साल ही आंकड़े के साथ बताया है कि इस देश के अंदर 30% भी ऐसा लोग नहीं है जिनके पास इंटरनेट है। इस देश के अंदर ऐसे 50% भी लोग नहीं है जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, इन सारी चीज़ें हैं। तो जिस देश का ज़्यादातर लोग या आधा आबादी जिनके पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है, ऐसे गांव है, वहाँ पे आप कैसे ऑनलाइन को एक मैंडेटरी मोड बना सकते हो। तो इसके मतलब ये है कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, जिन लोगों के पास इंटरनेट होगा, जिन लोगों के पास फ़ोन होगा, वही लोग बस पढ़ाई लिखाई करेंगे। उनके अलावा जो लोग, जिन लोगों के पास मेरिट है, जिन लोगों के पास मेधा है, हो सकता है उनके माँ बाप की पॉकेट में लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर आप
स्कूल कॉलेज को बंद रख के, यूनिवर्सिटी को बंद रख के ऑनलाइन मोड के लिए पुश कर रहे हो, तो इस देश के अंदर जो एग्जिस्टिंग डिजिटल डिवाइड है, जिस डिजिटल डिवाइड में अमीर पढ़ाई करता है और गरीब को पढ़ाई छोड़ के जोमैटो या स्विगी का डिलीवरी बॉय बनना पड़ता है, वो डिजिटल डिवाइड, वो डिवाइड और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर वो डिवाइड बढ़ता गया, आप कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश को एक नंबर बनाना चाहते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आपका ही जो सरकार है, आपका सरकार का ये टैगलाइन है। तो अगर मेरे देश का आधी फीसदी लोग, आधा प्रतिशत लोग पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद रख के हम ये ऑनलाइन मोड या ब्लेंडेड मोड, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के ये जो UGC जो मोड वो सजेस्ट कर रहे हैं, अगर इस मोड पे हम पुश करें तो बहुत सारे लोग जो आम परिवार से आते हैं, महिलाएं, पिछड़े परिवारों से आए हुए लोग, इन लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का रास्ता जिंदगी भर के लिए बंद होने वाला है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स खोला जाए। जो लड़कियां घर में रहने में मजबूर हो रही है, घर में रह के जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, डिफरेंट तरीके की वायलेंस जिनके ऊपर हो रहा है, वो हॉस्टल में आए, अपनी अपनी जो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करें। हम और भी मांग कर रहे हैं, हमने देखा है जो रिसर्च स्कॉलर्स है, उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक्सटेंशन हुआ है। वो इसके पहले जो 5 साल में कर रहे थे, अभी पैंडेमिक के कारण किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल तक का एक्सटेंशन मिला है। लेकिन बहुत अजीब बात UGC कह रहा है, MHRD कह रहा है कि आपका टेन्योर तो एक्सटेंड हो गया, लैब में जाने के लिए आपके पास 1 साल ज़्यादा तो है, लेकिन ये पूरा 1 साल आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब मतलब हमारे जैसे परिवार के लोग, जो लोग स्कॉलरशिप के भरोसे अपना घर छोड़ के बड़े शहरों में आए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये स्कॉलरशिप नहीं रहेगा हम कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं रहेगा हम हॉस्टल का फीस कैसे देंगे। अगर हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं रहेगा तो मेरा जो इक्विपमेंट चाहिए, लैब में मेरा जो सामान चाहिए, फील्ड सर्वे के लिए मेरे लिए मुझे जो सामान चाहिए, वो सारी चीज़ हम खरीदेंगे कैसे। हमारी ये मांग है, एक तो आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलो, सबको वैक्सीन दिलवाओ, दूसरा जहाँ जहाँ पे आपने टेन्योर एक्सटेंड किया है रिसर्च स्कॉलर के लिए, आप स्कॉलरशिप भी उतना वक्त के लिए, उन टेन्योर के लिए स्कॉलरशिप एक्सटेंड करो, ताकि सारे लोग अपना पढ़ाई, अपना PhD, अपना MPhil, अपना डॉक्टरेट पूरे इत्मीनान से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, कंफर्टेबली वो अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर पाए। और इसी को लेके आगे के दिन में भी हम लोग, हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आपका कोई, आप लोगों का कोई सवाल होगा, आप लोग चाहते हैं कि हम भारत की छात्र फेडरेशन की ओर से कुछ आपका, अगर मतलब कुछ समझ जिसमें आपका कंफ्यूजन होगा, आप चाहते हैं हम जवाब दें, आप वो क्वेश्चंस कमेंट पे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जितना मुझे आता है, जितना मैं जानती हूँ, उस हिसाब से आपको रिप्लाई किया जाए। पर जो बात कहते हुए ख़त्म करूंगी, मैं कह रही थी कि लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं, लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रहा है। केरला की घटना भी मैंने आपको बोला, और आप भी ये जानते हैं कि आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है। इन सारी चीज़ों के खिलाफ अगला कल मतलब 24 तारीख को हम पूरे देश के अंदर एक नेशन वाइड कॉल दिए हैं। हम कह रहे हैं कि हम शपथ लेंगे, भारत की छात्र फेडरेशन के जितने भी लोग हैं वो लोग ये शपथ लेंगे कि जिस तरीके से ये डाउरी या फिर दहेज लेने का प्रथा है, हम ना दहेज लेंगे, ना हम दहेज देंगे, ना अगर हम ना किसी से दहेज मांगेंगे, और ना अगर कोई हमें दहेज मांगे उसके साथ हम सहमत होंगे। उसी के साथ हम ये भी शपथ लेंगे कि जिस तरीके से घरेलू हिंसा, महिलाओं के ऊपर जौन उत्पीड़न बढ़ रहा है, हम अपने घरों में, अपने परिवारों में, जहाँ जहाँ पे हम एज इंडिविजुअल और हम वी एज कॉम्रेड्स आर एबल टू यू नो पुट आवर सेल्फ, हम उन सारे जगह पे ऐसे घरेलू हिंसा, ऐसे यौन हिंसा के खिलाफ भी बात रखेंगे। और इस देश के अंदर पढ़ाई का जो अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी को कभी जात के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी जेंडर के नाम पे हम अलग अलग होते देखते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी, इन चीज़ों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। तो आप सब लोग जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सभी लोगों से मेरी ये अनुरोध रहेगा, ये अर्जी रहेगा कि कल आप लोग भी ये शपथ ले। और ये शपथ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं मतलब बहुत सारी जगह पर हमें ऐसा लगता है कि महिला उत्पीड़न हुआ है या फिर यौन उत्पीड़न हुआ है तो बस महिलाओं को सड़क पर उतर के उसका प्रतिवाद करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। हम कह रहे हैं, अब महिला हो, पुरुष हो, आप कोई भी हो,
अगर आप इंसान हो, अगर आप भारत की छात्र फेडरेशन की संगठन के साथ जुड़े हुए हो, तो आप कल ये शपथ ले, ये प्लेज ले, पूरे देश की जो छात्र फेडरेशन के संगठन के लोग हैं वो सारे लोग सड़क पे उतरेंगे, ये शपथ लेते हुए आप भी उनके साथ जुड़े। और अगर आपका कुछ सवाल है वो सवाल ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं कोशिश करूँगी, मेरी तरफ से मुझे जितना होता है मैं उसका उतना जवाब दूँ। यही कहते हुए ख़त्म करना है कि हमारी सरकार से ये मांग रहेगी, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ, मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को खोलना पड़ेगा, जो हॉस्टल्स हैं चाहे वो कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर सेपरेट इंडिपेंडेंट हॉस्टल्स हो, हॉस्टल्स को फिर से चालू करना पड़ेगा। जिन छात्राओं की जो रिसर्च स्कॉलर का टेन्योर एक्सटेंड हुआ है, उन सारे लोगों को जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप को एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमें लगता है अगर ये हम कर पाए तो अगले दिन में जो भी समस्या से हम सारे लोग गुजर रहे हैं, हो सकता है वो समस्या हम सब के लिए थोड़ा कम हो। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगी। अगर कोई आप लोगों का सवाल है, आई एम फ्री टू टेक दैट क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों ने लाल सलाम कॉमरेड कहा है, लाल सलाम कॉमरेड, आप सभी लोगों को लाल सलाम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। हाँ, एक बहुत पर्टिनेंट सवाल सुगतों ने किया है। सुगतों पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, पर मुझे लगता है ये समस्या आगे के दिन में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे 11-12 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैंसिल हुआ है, जैसे मैं कह रही थी। अब हमें पता है कि हम जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो ये 12 का जो मार्क्स होता है, ये 12 का एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट होता है, उसी रिज़ल्ट के बेसिस पे हमारा एडमिशन होता है। तो अगर क्लास 12 में एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसमें अगर हम 11 का या 9 का या फिर कुछ क्यूमुलेटिव, कुछ एक्यूमुलेटिव करके मार्क्स बना रहे हैं और वो जोड़ के हम एडमिशन की तरफ जाएंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि उससे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ना हमें से किसी, मतलब उसमें जो मूल्यांकन है, जो मूल्यांकन है, हमें लगता है उसमें दिक्कत हो सकता है। तो ये हमारी मांग रहेगी कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है, अगर पर्टिकुलरली कॉलेज लेवल पे कोई मॉक टेस्ट या फिर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बंदोबस्त हो सकता है तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा, क्योंकि फिर आप सभी लोगों को एक सिमिलर प्लेइंग फील्ड दे रहे हो। पर जहाँ जहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे केरल में हुआ है, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है ये, मैं बात मुझसे बात छूट गया, मुझे तभी बोलना चाहिए था अपने डिस्कशन में, जब हम कह रहे थे कि हमें एग्जामिनेशन चाहिए, हमें चाहिए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रीओपन हो। भारत के अंदर केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो राज्य अपने वक्त के अनुसार, मतलब जब पैंडेमिक के पहले जैसे उनका एग्ज़ाम होता था, इस बार भी उसी तरीके से एग्ज़ामिनेशन हुआ है। सभी लोगों को टेस्टिंग कराया गया, वैक्सीन दिया गया, दूरियाँ मेंटेन की गई और एग्जामिनेशन उनका हुआ है। हम कह रहे हैं कि अगर केरल कर पाता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं है कि केरल भारत के बाहर है। हमने देखा है केरल का जो कम्युनिस्ट सरकार है वो पहले दिन से कोरोना महामारी रोकने के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट काम किया है। सिर्फ देश नहीं, पूरा विश्व से लोग उनका जो काम है, कॉमरेड के शैलजा टीचर जो उनके हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको सराहा है, उनको पुरस्कृत किया है। और जिस तरीके से वो लोग बहुत इफ़िशियंट तरीके से कोरोना को संभाल पाए और उसके साथ बाकी जो काम थे उन कामों को नॉर्मल रखा, मुझे लगता है वो एक चीज़ है जो हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो हमारी यही अर्जी रहेगी कि जिस तरीके से केरल के अंदर एग्जामिनेशन हुआ है, स्कूल कॉलेज रीओपन करने का वो लोग सोच रहे हैं, उस तरफ भी काम शुरू हुआ है, उसी तरीके से पूरे देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमको उसी एजेंडे को या फिर उसी को सामने रख के आगे जाना चाहिए कि अगर केरल कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगा तो मतलब वी के नॉट इमेजिन कि अगले 5-10 सालों में हमारा जो भविष्य है वो भविष्य अंधकार है। उसमें कोई भी लोग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई का मोटिवेशन ख़त्म हो गया है। आप मतलब हम सबको पता है कि हम कॉलेज में क्लास में बैठ के जो सीखते थे, ऑनलाइन में वो सीखना पॉसिबल ही नहीं है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर मुझे कुछ डाउट है मैं किससे पूछूं? और ये तो हम जानते हैं कि हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपने टीचरों से नहीं सीखते, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने क्लासमेट से सीखते हैं। लाइब्रेरी में आप जब जाते हैं, वहाँ पर जिन लोगों से मिलते हैं, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं।
तो जो सीख हमें ऑनलाइन में मिल रहा है वो आधी अधूरी सीख है और उससे हमारी ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल करना मुश्किल होगा। तो हमारी अर्जी रहेगी कि जिस तरीके से केरल की सरकार ने बहुत एफिशिएंट तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को संभाला है, उसी मॉडल को अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश और इस देश के जो बाकी राज्य हैं वो भी उसी को फॉलो करें और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को नॉर्मलाइज करें। साथ ही देश में इतनी महंगाई बढ़ी है, देखिए जैसे महंगाई पे तो हमारा स्टैंड मतलब ये कम होना चाहिए। हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो भी आसमान छू रहा है और उसके खिलाफ वामपंथी लोगों ने पिछले एक हफ्ते से वो लोग प्रोटेस्ट का कॉल दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पर हमें लगता है कि जो हम आम लोग हैं, जो छात्र युवा है, हमारे पास तो मौका है, हमारे पास तो वो हथियार है। ये जो सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती हैं, जिनके कारण महंगाई बढ़ती है, जिनके कारण सामानों की दाम बढ़ जाता है, इन सारे सरकार तो हमारी वोटों से चुन के आती है। तो अगर हम अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस पैदा करें कि जो लोग हमारे वोट से जीत के प्रधानमंत्री बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, वोट चले जाने के बाद उनको हमारी ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं होता, हमारी अच्छा रहना उनकी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी नहीं होता, ऐसे लोगों को हम दोबारा चुन के ना भेजें। छात्र फेडरेशन का जो काम है, कॉमरेड लेनिन कहते थे कि हम जो रेवोल्यूशन होगा या फिर जो क्रांति होगा, हम उस क्रांति का मैसेंजर होंगे, हम वार्ता लेके जाएंगे, उस क्रांति की वार्ता को हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे, वो कॉन्शियसनेस लेके जाएंगे ताकि लोग सोचें, लोग सोचने पे मजबूर हो। तो वही काम हमें करना है, जितने लोगों से हम मिलते हैं, अपने क्लासमेट हो, अपने दोस्त, अपने परिवार वालों से बात करना है और उनको समझाना है कि वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो वोटिंग जिस तरीके से राजनीति हो रहा है, कैसे वो राजनीति हमसे अपने धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, पर उसके बाद जब हम अपना भूखा पेट दिखा के उनको उनसे खाना मांगते हैं, तब वही लोग हमें कभी देशद्रोही, कभी टेररिस्ट, कभी आंदोलनजीवी बोल के जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। हमने देखा किसान आंदोलनों के साथ क्या हुआ, हमने देखा सीए के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था उनके साथ क्या हुआ। तो यही छात्रों का काम है कि हम जो अन्याय है, जो गलत है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उनके खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद करें और भी ज़्यादा लोगों के बीच जाए और भी ज़्यादा लोगों से बात करें और अपना बात कहने की कोशिश करें। मुझे लगता है और कोई सवाल तो है नहीं, तो आज का हमारा जो सेशन है हम यही ख़त्म करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुक्रिया आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए। आप सब लोग सुरक्षित रहिएगा, ठीक रहिएगा, क्योंकि ये जो वक्त है, ये वक्त ऑफकोर्स फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस है, मतलब कोरोना वायरस के कारण लोग फिज़िकली इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, पर उसके साथ साथ मानसिक रूप में भी लोग बहुत अकेले हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ खड़े होने वाला कोई है नहीं, हम अकेले हैं। तो हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ खड़ा रहने के लिए, ताकि वो अकेला ना महसूस करे, चाहे वो कैसा भी कुछ हो। पूरे देश के अंदर जो रेड वॉलंटियर है, जिनमें से ज़्यादा लोग छात्र युवा है, भारत के छात्र फेडरेशन के लोग बहुत सारे हैं, तमिलनाडु के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, वो अपनी ज़िंदगी को, मतलब अपनी ज़िंदगी झोंके में डाल के जो कोरोना पेशेंट है उनको कभी ऑक्सीजन दे रहे हैं, कभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कभी नर्सिंग होम लेके जा रहे हैं, कहीं पे कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, ताकि जो लोग कोविड इफेक्टेड है, खाना नहीं खा पा रहे, या फिर ऐसे लोग जो लॉकडाउन में अपना काम खोए हैं, उन लोगों के पास वो खाना पहुंचा पाए। तो हम लोग इस देश के साथ खड़े हैं, इस देश के लोगों के साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करेंगे इसी तरीके से आगे के दिन में भी हम ये देश और इस देश के लोग और इस समाज के साथ खड़े रह पाएंगे। आप सभी लोगों को शुक्रिया। अच्छा, दो एक सवाल आया है, वी नो द थर्ड वेव विल कम आफ्टर सम टाइम, सो वी शुड ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द थर्ड वेव बाई पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फ्रॉम नाउ एंड ऑन। हाँ, मुझे लगता है थर्ड वेव का तो मतलब जो प्रिपरेशन होगा ना, वो प्रिपरेशन ही होगा कि आप वैक्सीन दिलवाइए सबको। अगर आप सबको वैक्सीन दिलवाएंगे तो थर्ड वेव का भी जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कम होगा। दूसरी जो चीज़ें हैं कि आप हमने देखा कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ, जो प्रवासी मजदूर थे वो लोग पैदल चल रहे थे,
भीड़ भाड़ के साथ चल रहे थे, जो बसेस थी, ट्रेन थी, उसके अंदर कहीं पे कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो अगर अब सरकार को पहले से पता है कि थर्ड वेव आने वाला है, तो हमने ऑलरेडी दो वेव देख चुके हैं, हम दो दो बार देख चुके हैं, तो हमें वो प्रस्तुति लेना चाहिए। जैसे कि मैं केरल की उदाहरण फिर से देना चाहूंगी, हमने देखा कि सेकेंड वेव जब इस देश के अंदर आया तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ा वो था स्कर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अभाव था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग ऑक्सीजन के बिना तरफ तरफ के सड़क पे मर रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर मर रहे थे, नर्सिंग होम के अंदर मर रहे थे। और वहीं पे हमने देखा केरल के जो सरकार है उन्होंने अपनी पहली जो वेव है उस वेव से सीख लिया, उन्हें पता चला कि क्या क्या ज़रूरत हमें हो सकता है। जब उन्हें लगा कि ऑक्सीजन आगे चलते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, उन्होंने नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए। और केरल ऐसा एकमात्र राज्य था जहाँ पे कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं था जिसको ऑक्सीजन के अभाव में मरना पड़ा। तो इस तरीके का जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन मुझे लगता है हर सरकार को लेना चाहिए। और बहुत सारे टाइम लोगों को लगता है कि जो लोग सरकार में नहीं होते शायद उनका काम बस सवाल करना होता है, शायद उनका काम बस विरोध करना होता है। हम कह रहे हैं ऑफकोर्स हम सवाल करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान हमको वो हक देता है कि चुना गया जो गवर्नमेंट है, जो राष्ट्र है, जो सरकार है, उससे हम सवाल पूछें। पर उसके साथ हम ये वादा भी करते हैं, ये बहुत मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ हम कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, या किसी का भी सरकार हो, अगर वो चाहते हैं कि भारत के छात्र फेडरेशन उनके साथ वॉलंटियर की तरीके से काम करे, अगर वो चाहते हैं कि वो हमारा मदद ले, हमारा फीडबैक ले, हमें कहीं पे वॉलंटियर की तरह वो लोग डिप्लॉय करें, हम वो सारे काम करने के लिए तैयार हैं जिस तरीके से भी। क्योंकि जब महामारी होता है, जब कोविड होता है, वो तो नहीं देखता कि ये CPM है, ये BJP है, ये SFI है, ये BBP है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये इस जात का है, उस जात का है, महिला है, पुरुष है, वो ये सब नहीं देखता। वो जो भी सिक्योर नहीं होगा, जिनके पास भी प्रोटेक्शन नहीं होगा, जो भी इम्यून नहीं होगा, उसको अटैक करता है। तो ऐसे स्थिति में हम कुछ भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं देखेंगे। अगर सरकार चाहती है, चाहे वो किस राजनीतिक दल का सरकार हो, अगर वो चाहते हैं कि वो हमारा मदद लेंगे और जो तीसरी वेव है उससे बचने के लिए जो जो भी हम लोगों को इकट्ठे करना है, एक साथ करना है, उन सारी चीज़ों के लिए भारत की छात्र फेडरेशन तैयार है, राजी है। ज़रूरी बस ये है कि हम सब लोग अपने अपने जगह से ऑनेस्टी के साथ काम करें। हम ये ना सोचे कि ये करके हम कैसे अपना चुनावी फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर ऐसे कोविड के टाइम में एटलीस्ट हम करप्शन ना करें। अगर PM केयर्स में किसी ने पैसा दिया है तो उसको अगर हम उस पर कोई RTI डाल रहा है, उस RTI का हम जवाब दें और कहें कि इतना करोड़ों अरबों रुपए जो हमारे पास आया है उसको हम इस खाते में इस्तेमाल किए हैं। मुझे लगता है ये ट्रांसपेरेंसी, ये ईमानदारी अगर हम एक दूसरे की तरफ दिखाएंगे तो वो थर्ड वेव हो या फिर सेकेंड वेव हो या फिर आगे कोई भी महामारी हो, हम लड़ सकते हैं और हम जीत सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आप सभी लोगों को फिर से मेरी क्रांतिकारी इस्तकबाल, मेरा लाल सलाम। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, आप सब लोग ठीक रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगी। शुक्रिया। इनकलाब सिंधा।